श्यामगढ़ नगर में जलजुलनी एकादशी 11 पर सभी मंदिरों के व्यवहार निकाले जा रहे हैं, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय भगवान के अच्छे व्यवहार सजाने वाले को प्रदान किए जाएंगे। झांकियां शुरू हो गई है, इसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित हो रही है। श्यामगढ़ में डिंपल चौराहे और गरोट में सब्जी मंडी से ये व्यवहार निकाले जा रहे हैं। शाम 8 बजे महाआरती कर प्रसादी वितरित की जाएगी। दोनों ही नगरों में बड़ी संख्या में जुलूस के रूप में धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित हुई है। शनिवार को जलजुलनी एकादशी पर दोपहर बाद 4 बजे डिंपल चौराहे श्यामगढ़ से सभी मंदिरों की आकर्षक झांकियां, जिसमें श्री राम मंदिर, श्री गायत्री मंदिर, मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर, देवनारायण मंदिर, खेड़ापति बालाजी मंदिर, माताजी मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर आदि नगर के प्रमुख मार्ग, बस स्टैंड, मेन रोड, आड़ा बाजार, सब्जी मंडी होते हुए श्री कृष्ण तलैया सुवासरा रोड पर पहुँचेगी, जहाँ पर रात्रि 8 बजे भव्य आतिशबाजी के साथ महाआरती और महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार गरोट नगर में समस्त मंदिरों के व्यवहार सब्जी मंडी स्थित चौराहे से एकत्रित होकर के निकाले जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मीकांत मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, गोपाल कृष्ण मंदिर से सज धज के व्यवहार निकाले जा रहे हैं, जो रामपुरा दरवाजा, गांधी चौक, 3 सड़क होते हुए अंजलि नदी आरती की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में गरोट नगर की धार्मिक जनता सम्मिलित हुई है। गरोट और श्यामगढ़ नगर में समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विशेष आकर्षक झांकियां, आतिशबाजी, ढोल, बैंड, प्रसिद्ध डीजे, अखाड़ा सम्मिलित हुए हैं और नगर के समस्त मंदिरों को प्रोत्साहन राशि समितियों द्वारा दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों को नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। श्यामगढ़ से संजय चौहान तथा गरोट से जीवन सिंह सांकला की रिपोर्ट।